बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व हूँ तू रहीम है तू करीम है मेरी सोच को वो जमाल दे मैं जो तेरी करूं करूँ खलम को हसन ख़याल दे अज़ीज़ तलबा व तालिबात मैं बिशरा परवीन मददगार मोलिमा सरकारी उर्दू हाई स्कूल अमलापुर तलुख़ा ज़िला बीदर आज की इस ऑनलाइन जमात में आप सभी का दिल की अमीख़ गहराइयों से ख़ैर मकदम करती हूँ अज़ीज़ तलबा आज की नशस्त का आगाज़ करने से पहले मैं आपको चंद हिदायत देती चलूँ जैसे आप दरसी किताब कापी और क़लम साथ रखिए ताकि जब भी मैं आपको कुछ नोट करने के लिए कहूँ आप फौरी बंद कर सकें प्यारे बच्चों आज हम जो ान के ताल्लुक से मालूम हासिल करने जा रहे हैं वो इम्तहान के नुतः नज़र से बहुत अहमियत रखता है सवाली पर्चा तीन हिस्सों में आता है पहला हिस्सा पहले हिस्से में अक्सर आपसे आपकी दरसी किताब में मौजूद नसर व नज़म से सवालत पूछे जाते हैं और हिस्से दुवम में आपसे फ़वाद के तलुक़ से सवालत पूछे जाते हैं इसी तरह से हिस्से सुवम में आपसे मजमून नवेसी और खतूत नवेसी पर सवाल पूछे जाते हैं हर साल सवाली पर्चे में कुछ ना कुछ तरमीम होता ही रहता है लेकिन हर तरमीम शुदा सवाली पर्चे में जिस तरह से मैंने बताया कि हिस्से हिस्सम में मजमून नवेसी और खतूत नवेसी के सवाल होते हैं इसी तरह से हर तरमीम शुदा सवाली पर्चे में मजमून नवेसी और खतूत नवेसी पर सवाल होते ही होते हैं अज़ीज़ तलबा तो आज हम हिस्से सुवम से ख़तूत नवेसी के तलक़ से मालूम हासिल करेंगे तो इससे पहले आज हम जानेंगे कि आज के जो अहम तदरीसी नुकात हैं वो क्या हैं तो चलिए देखेंगे हम आज के अहम तदरीसी नुकात जो कि इस तरह से हैं खतूत नवेसी के तलुक़ से मालूम हासिल करेंगे खतूत के अकसाम के तलुक़ से मालूम हासिल करेंगे खतूत के हिस्सों के तालुक़ से हम मालूम जानेंगे खतूत के ताल्लुक से इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवाल के बारे में जानेंगे मुख्तलिफ़ खतूत के नमूनों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे सरगर्मी एक हल करेंगे और आखिर में हम घर का काम भी एक मुकम्मल करेंगे अजीज तलबा तो अब हम जानेंगे कि खतूत नवेसी क्या है प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि खुतूत नवेसी क्या है शाबाश खतूत नवे खत परदाजी की एक शक्ल है मजमून लिखने में सादगी और इख्तार पसंद किया जाता है खत व किताबत मामलात जिंदगी का एक अहम हिस्सा है खत लिखने का मकसद होता है कि हम अपने इन अज़ीज़ों और दोस्तों से जो हमसे दूर हैं बज़र ये तहरीर गुफ्तु कर सकें इस तहरीर ख़त के इस तरह ख़त के ज़रिए निसफ़ मुलाक़ात हो जाती है अज़ीज़ तलबा तलबात ख़त को आधी मुलाक़ात भी कहा जाता है ख़त लिखते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि अंदाज़ ऐसा हो कि जिसको ख़त लिखा जा रहा है गोया वो सामने बैठा है ताकि इबारत में सादगी और रवानी पैदा हो पुराने ज़माने में लोग बड़े बड़े अलखाब व आदाब लिखते थे अब ख़त पहले से आसान और सहल लिखे जाते हैं लंबे चौड़े आदाब और अलाब का तरीक़ा भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है इनकी जगह सादा अलखा व आदाब का रिवाज है खत लिखने के इस दिलचस्प और नए अंदाज के मोजिद मिर्जा गालिब खत पढ़कर मुलाकात का लुत्फ आता है खत लिखते वक्त अपने मुखातिब का मर्तबा का लिहाज रखना चाहिए अगर मुखातिब बड़ा है तो इसकी बुजुर्गी के शायान शान अल्काब व आदाब लिखने चाहिए अगर बराबर वाले को ख़त लिखा जाए तो बराबरी और बेतकल्लुफ़ी की शान जाहिर हो अपने से छोटों को इस तरह मुखातिब करना चाहिए जिससे शफ़क़त व मोहब्बत ज़ाहिर हो रस्मी और फजूल जुमलों से ख़त को बढ़ाना नहीं चाहिए इससे दिलचस्पी कम हो जाती है ख़त एक ख़ास फ़न है जिसमें दूसरे शख्स पर अपनी दिली मंशा बज़री तहरीर जाहिर किया जाता है ख़त लिखने वाले को कातिब, जो इबारत लिखी जाए उसे मकतूब या खत या चिट्ठी और जिसके नाम ख़त लिखा जाए उसे मकतूब कहते हैं अजीज़ तलबा वालबा ये सारे नुकात अहम हैं इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जैसे ख़त जो ख़त लिखता है उसे कातिब कहेंगे और जो ख़त और चिट्ठी है उसे मकतूब कहेंगे और जिसको ख़त लिखा जाता है उसे मकतूब अल कहेंगे अजीज़ तलबा वालबा अब हम जानेंगे कि ख़त के कितने अकसाम हैं जी हाँ ख़तूत तीन तरह के होते हैं एक निजी खतूत दूसरा कारोबारी खतूत और तीसरा सरकारी खतूत अज़ीज़ तलबा तलबात अब हम एक के बाद दिख तमाम इन तीन खतूत के तालों से मालूम में इजाफ़ा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो पहला है निजी खतूत वो ख़त जो अपने कुंबे वालों रिश्तेदारों दोस्तों मिलने जुलने वालों को लिखे जाते हैं निजी खतूत कहलाते हैं दूसरा आता है कारोबारी खतूत कारोबारी या तजारती ख़त का मज़मून मुख्तसर, इबारत साफ़ और ख़ुशत होना चाहिए ताकि मक्तूबल को इसके पढ़ने और समझने में दिक्कत ना हो इसके अलावा अशिया मतलूबा के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें दर्ज कर दी जाएं। इसके अलखाब व आदाब और खात्मा निजी खतूत से कुछ मुख्तलिफ होते हैं जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ दे, देखेंगे मुकरमी तस्लीम या फिर मोहतरम मु, असलकुम वग़ैरह से खत शुरू करते हैं इसके बाद बारी आती है हमारी तीसरे खत की सरकारी खतूत वो खतूत जो दफ्तरी उमूर से मुतल होते हैं मसला मुख्तफ़ किस्म की दरखास्तें सरकारी नोटिस अफसरानतल को इतला रसीद समन परवाना हुक्मन और रिपोर्ट वग़ैरह अजीज तलबा तलबात अब हम देखेंगे ख़त के हिस्से यानी ख़त के कितने हिस्से होते हैं उसके तालुक़ से हम अपनी मालूम में इजाफ़ा करेंगे ख़त के छह हिस्से होते हैं और वह कौन से हैं जी बिल्कुल पहला है नाम व पता दूसरा अलखाब तीसरा है आदाब चौथा है गर्ज वगायत या मजमून ख़त पांचवा है ख़ातिमा और छठा है नाम व पता मकतूब अलह तो चलिए अब हम देखेंगे इन खत के हिस्सों को हम अपने खत में कैसे इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले बारी आती है नाम व पता कातिब व तारीख़ खत के शुरू में दाएं गोशे पर कातिब को अपना पता व तारीख़ लिखना चाहिए मसलन कातिब को अपना नाम लिखना चाहिए और अपना पता लिखना चाहिए आप नाम जो आपको दिया गया है सवाल में वो लिखें या फिर आपको अपना नाम लिखना होगा और पता क्या लिखना है मैं यहाँ पर मिसाल दे रही हूँ अमलापुर चौबीस मार्च दो हज़ार इक्कीस इस तरह से आपको तारीख भी लिखनी है और एक मिसाल देखेंगे आपको अपना नाम लिखना है फिर पता तलौड़ी बीदर पच्चीस मार्च दो हज़ार इक्कीस इस तरह से आपको अपना नाम और पता और तारीख़ लिखनी है ख़त के दाएं गोशे में अलखाब मकतोबल के रुतबे और रिश्ते की नौीयत के अतबार से जिन अल्फाज से इसे मुखातिब किया जाता है इसे अलखाब कहते हैं मकतबले के मंदरजा झैल दर्जे होते हैं और हर दर्जे के लिए अलखाब का इस्तेमाल जुदा गाना होता है मसलन, रिश्तेदार के लिए इस्तेमाल अलखाब कुछ और होंगे और उनके ख़ात्मे वाले अल्फाज भी मुख्तलिफ होंगे वो क्या होते हैं जैसे अगर वालिद मोहतरम को ख़त लिखना है तो हमारे अलखाब क्या होंगे प्यारे अबू जान और हमारे ख़ात्मे वाले अलफाज क्या होंगे आपका फर्मा बरदार इसी तरह से अगर वालिदा मोहतरमा को खत लिखना है तो हमारे अलखाब क्या होंगे प्यारी अम्मी जान और हमारे खात्मे वाले अलफाज क्या होंगे आपका फर्मा बरदार इसी तरह से अगर हम ख़त लिख रहे हैं बेटे को यानी बेटे को अगर ख़त लिखा जाए तो हमारे अलकाब क्या होने चाहिए बरख़ुरदार नूर चश्म आगे नाम लिखना होगा जिस तरह मैंने यहाँ डाला है बरखुरदार नूर चश्म दानिया और ख़ात्मे वाले अल्फाज क्या होंगे दुआ और इसी तरह से दोस्त और अहबाब को लिखे जाने वाले ख़त में अलकाब क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्त और खात्मे वाले अल्फाज क्या होंगे तुम्हारा दोस्त हु या को लिखे जाने वाले खत्मे अलखाब क्या होंगे जनाबे वाला या फिर बिदमत जनाब और खात्मे वाले अल्फाज क्या होंगे खाकसार, खाकसारर्मा बरदार या फिर नाचीज अजीज सलबा तालिबा ये चंद मिसाल थी जिस जिसमें हमें अलखाब और आदाब किस तरह से लिखना ये हमने अभी देखा तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे आदाब आदाब के ताल्लुक से अलखाब के बाद ताज़ीम मसलन बड़ों के लिए आदाब न्याज बराबर वालों के लिए मसनून छोटों के लिए दुआएं, शौक मुलाकात या दुआ जाहिर करने के लिए चंद अल्फाज लिखे जाते हैं जिन्हें हम आदाब कहेंगे चौथा हिस्सा होता है ख़त का सबसे अहम हिस्सा मजमून ख़त व आदाब के बाद वो ज़रूरी बातें जिनकी वजह से ख़त लिखा जाता है इसमें किसी की इतला दी गई हो या कोई बात दरियाफ़ की गई हो या किसी चीज़ को रवाना करने की खबर हो या किसी चीज़ के पहुँचने की इतला हो या कुछ और ज़रूरी बातें दर्ज हों इसको मजमून ख़ कहते हैं पांचवा देखेंगे हम खत का हिस्सा ख़ातिमा ख़त का मजमून जब ख़त्म हो जाए तो इख्तिताम पर कोई कलमा या जुमला जिसका मफहूम सलाम दुआ शौक मुलाकात वगैरह हो दर्ज करते हैं इसे ख़ातिमा कहते हैं और आप ख़त का सबसे आखिरी और छठा हिस्सा है पता मकतूब अलह का पता कार्ड या लिफाफे पर अव्वल सतर में मकतोबले का नाम और दूसरी सतर में महिला शहर नंबर पता दर्ज करना चाहिए इस तरह से हमें मकतोबले का पता और एड्रेस जो है खत में लिखना चाहिए प्यारे बच्चों ये तो हुई खतूत के ताल्लुक से चंद मालूम तो अब बढ़ते हैं हम अपने इम्तिहान में पूछे जाने वाले खतूत की तरफ यानी सालाना इम्तहान में आपसे आपके सवाली पर्चे में खतूत नवेसी पर किस तरह से सवाल आएंगे नमूने के तौर पर हम चंद सवाल यहाँ पर देखेंगे जैसे पहला सवाल है अपने दोस्त या सहेली के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें अपनी सालगिरह की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई हो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा अपने दोस्त या सहेली को एक खत लिखिए जिसमें इम्तिहान का ज़िक्र हो या फिर आएगा आपको सवाल हेडमास्टर के नाम चिट्ठी लिखकर टीसी तलब कीजिए या फिर होगा आपको सवाल अपने स्कूल के सदर मदरस के नाम दरख्वास्त लिखिए जिसमें अपनी बहन की शादी के सिलसिले में तीन यौम की दरख्वास्त तलब की गई हो अजीज़ तलबा तलबात ये चंद सवाल हैं जो कि आपको सालाना इम्तहान में आपसे सवाली पर्चे में पूछे जाएंगे। अब हम चंद खतूत के नमूने यहाँ पर देखेंगे जैसे अगर आपको सालाना इम्तहान में सवाल आता है अपने दोस्त या सहेली के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें सालगिरह की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई हो तो आप ख़त किस तरह से लिखेंगे इस तरह से आपको अपने ख़त की शुरुआत करनी होगी सबसे ऊपर दाईं जानिब में आपको क्या लिखना है आपका नाम पता और तारीख़ फिर उसके बाद आएंगे अलखाब और दोस्त को या सहेली को ख़त लिखनी हो तो आपके अलखाब क्या होंगे मेरी प्यारी सहेली फिर आदाब वालेकुम फिर आएगा बारी मजमून ख़त की मैं यहाँ अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ उम्मीद की तुम भी खैरियत से होगे काफ़ी दिन हुए मुलाकात भी नहीं और ना तुम्हारा कोई खत आया अगले हफ्ते बरोज़ इतवार मेरी सालगिरह है और सब दोस्त व अहबाब इसमें शिरकत कर रहे हैं मेरी गुजारिश है कि आप भी इस तकरीब में शामिल होकर महफिल को चार चांद लगाएँ मजमून ख़त कुछ इस तरह से होगा घर में वालिद साहब और वालिदा साहिबा की खिदमत में मेरी तरफ़ से सलाम अर्ज़ करना और अब बारी आती है ख़ात्मे की अल्लाह हाफिज फ़क्त तुम्हारी सहेली या तुम्हारा दोस्त अलीफ़ बे ज़िम अगर सवाली पर्चे में नाम दिया गया है तो आपको नाम लिखना है वरना आप अलीफ़ बे ज़िम भी लिख सकते हैं अज़ीज़ तलबा तलबात मैं चाहूँगी कि ये ख़त के नमूने को आप अपनी कापी में दर्ज करें जी हाँ प्यारे बच्चों मैं जानती हूँ आप सभी ने इस ख़त को अपनी कापियों में लिख लिया होगा तो देखते हैं हम ख़त के हिस्सों को सबसे पहले दाएं गोशे में ऊपर क्या है नाम वो पता कातिब तारीख़ और दूसरा हिस्सा है अलखाब का तीसरा हिस्सा है आदाब का और चौथा हिस्सा है मजमून खत और आखिर में खातिमा। इस तरह से ये पांच हिस्से मुकम्मल होंगे तभी आपको इम्तहान में आपके मार्क्स मिलेंगे चलिए अब और हम देखते हैं एक और ख़त का नमूना और दूसरा सवाल क्या है अपने दोस्त या सहेली को एक ख़त लिखिए जिसमें इम्तिहान का ज़िक्र हो ये सवाल भी इम्तिहान के नुक्ते नज़र से बहुत अहमियत रखता है अक्सर इस तरह का सवाल जो है आपके सालाना इम्तिहान में पूछा जाता है तो चलिए बच्चों अब हम देखेंगे ख़त किस तरह से लिखेंगे सबसे पहले आएगा नाम पता और तारीख़ फिर आएंगे अलखाब। दोस्त सहेली के लिए है तो हम यहाँ पर अलखाब हमारे क्या होंगे अज़ीज़ सहेली सरोश यहाँ पर मैंने नाम दिया है आपको सवाली पर्चे में अगर नाम दिया गया है तो वो नाम इस्तेमाल करना है या आप अपना अपने सहेली या दोस्त का भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं इसके बाद आएंगे आदाब अस्सलाम अलैकुम फिर आएगा मजमून ख़त मैं यहाँ अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ उम्मीद कि तुम भी खैरियत से होगे आपका खत कल ही मिला मुलाकात से आगाही हुई आपने आपने खत में लिखा है कि मेरे इम्तान कब से शुरू होने वाले हैं मालूम करूं। दो रोज़ कबल इम्तहान का टाइम टेबल आया है इम्तिहान इम्तहान बाईस मार्च से शुरू हो रहे हैं इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि इम्तहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकूँ घर में वालिद साहब और वालिदा साहिबा की ख़िदमत में मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ और आखिर में आएंगे खात्मे वाले अल्फाज फ़क्त तुम्हारी सहेली या तुम्हारा दोस्त अलीफ बे जी अब हम देखेंगे अजीज़ तलबा तालिबात ये ख़त को आप अपनी कॉपी में फौरी नोट कर लीजिए शाबाश आप सभी ने इस खत को अपनी कॉपियों में नोट कर लिया है शाबाश अब हम देखते हैं खत के हिस्से नाम पता कातिब उसके बाद अलखाब और उसके बाद है आदाब इसके बाद आएगा मजमून ख़त और आखिर में खातिमा इस तरह से बिल्कुल सादा अंदाज़ में आप अपने ख़त लिख सकते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं अपने स्कूल के सदर मदरस के नाम दरख्वास्त लिखिए जिसमें अपनी बहन की शादी के सिलसिले में तीन यौम की रख्सत तलब की गई हो अजीज़ तलबा तालबात इस तरह का सवाल आपसे आपके सालाना इम्तहान में पूछा जाएगा और आपका ख़त कैसा होगा जी हाँ इस तरह से आपको ख़त की शुरुआत करनी है पहले आपको अपना नाम पता और तारीख़ लिखनी है अलखाब लिखने हैं जी हाँ यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है ये ख़त चूँकि हम अपने सदर मदरस को लिख रहे हैं तो हमारे अलखाब क्या होंगे बिदमत जनाब सदर मद्रस फिर हम आदाब लिखेंगे फिर हमारा मजमून ख़त आएगा बाद आदाब अर्ज यह है कि पंद्रह जुलाई को मेरी बहन की शादी और चंद जिम्मेदारियाँ वालिद साहब ने मुझे सौंप दी लिहाजा मैं पंद्रह जुलाई को मदरसे हाजिर नहीं रह सकता अजरा करम मेरी जरूरियात का ख्याल रखते हुए चौदह पंद्रह और सोलह जुलाई को तीन यौम की रख्सत मंजूर फरमाएं। उम्मीद करता हूँ कि सदर मुदरस साहब आप मेरी दरख्वास्त को खुबल फरमाएंगे और आखिर में आएंगे ख़ात्मे वाले अल्फाज और ख़ात्मे वाले अल्फाज क्या होंगे? क्योंकि ये ख़त हम अपने सदर मदरिस को लिख रहे हैं तो फख्त आपका शागिर्द। अलीफ बे जी। इस तरह से हमारे ख़ात्मा पे हमारा खत जो है ख़त्म होगा अजीज तलबा तलबात आप फौरी इस ख़त को अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए शाबाश तब तो हम देखेंगे ख़त के हिस्से सबसे पहले आएगा नाम पता कातिब और तारीख उसके बाद आएंगे अलकाब फिर आएगा आदा और फिर आएंगे मजमून ख़त और आखिर में खातिमा चलिए बच्चों एक और हम नमूने के तौर पर सवाल देखेंगे हेडमास्टर के नाम चिट्ठी लिखकर टीसी तलब कीजिए इस तरह का सवाल भी आपको आपसे आपके सालाना इम्तिहान में पूछा जा सकता है तो जवाब क्या होगा जी हाँ बिल्कुल सबसे पहले ऊपर नाम पता और तारीख़ उसके बाद आएंगे अलखाब। क्योंकि ये ख़त भी हम सदर मुद्रस को लिख रहे हैं तो हमारे अलखाब क्या होंगे आली जनाब सदर मुद्रस साहब आदाब असलकुम मजमून खत कुछ इस तरह से होगा जनाब अली मैंने आपके कॉलेज में दस साल तालीम हासिल की है मैं इन साल हाई स्कूल के सालाना इम्तहान में अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल की है पीयू कॉलेज में दाखिला लेने के लिए मुझे टीसी चाहिए मेरे ज़िम्मे स्कूल की कोई फीस बाकी नहीं है लाइब्रेरी से भी ली हुई किताबें मैं जमा कर चुका हूँ बराए मेहरबानी मुझे मेरी टी दें तो ए नवाजिश होगी और ख़ात्मे वाले अल्फाज क्या होंगे फख्त आपका फ़रमा बरदार शागिरद या शागिरदा और आपको अपना नाम लिखना होगा तो चलिए आप इस ख़त को भी फौरी अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए जी हाँ अजीज़ तलबा तलबा अब हम ने यहाँ चंद नमूने के तौर पर चंद सवाल के जवाब को हल किया और चंद नमूने खतूत के नमूनों को भी हमने यहाँ पर अजीज़ तलबा तलबा अब हम इस पर एक छोटी सी सरगर्मी हल करेंगे दर्ज जल हर सवाल के लिए चार मुतबाद दिए गए हैं इनमें से सही जवाब का इंतब कीजिए मैं अब आपसे चंद सवाल करूंगी और हर सवाल के लिए चार मुतबाद जवाब दिए गए हैं आपको सही जवाब का इंतखब करना है और जवाब देना है तो क्या आप तैयार हैं शाबाश तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर और पहला सवाल है वो खतूत जो अपने कुंबे वालों रिश्तेदारों दोस्तों मिलने जुलने वालों को लिखे जाते हैं डैश कहलाते हैं तो बताइए कि वो ख़त जो अपने कुंबे वालों रिश्तेदारों और दोस्तों मिलने जुलने वालों को लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे अलीफ कारोबारी खतूत बे सरकारी खतूत जीम निजी खतूत या दाल इनमें से एक भी नहीं बताइए कि सही जवाब क्या है शाबाश सही जवाब है जीम निजी खतूत तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है वो खतूत जो दफ्तरी उमू से मुतल होते हैं डैश कहलाते हैं वो खतूत जो दफ्तरी उमू से हैं मुतल होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे अलीफ निजी खतूत बे सरकारी खतूत जीम दफ्तरी खतूत या दाल सिर्फ खतूत इस सवाल का सही जवाब दीजिए शाबाश सही जवाब है बे सरकारी हतुत तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है खत के कितने हिस्से होते हैं तो बताइए खत के कितने हिस्से हैं अलीफ चार बे पाँच जीम तीन या दाल छः जिसका मफहूम सलाम दुआ वगैरह हो डैश कहलाते हैं बताइए क्या कहलाते हैं अलिफ अलखाब, बे ख़ातिमा जीम आदा या दाल मजमून खत सोचिए और सोचकर बताइए कि सही जवाब क्या है बिल्कुल सही सही जवाब है बे खातिमा अजीज तलबा तलबात ये चंद सवालात थे जिन्होंने जिन्हें हमने अब हल किया है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे घर का काम अजीज़ तलबा वालिबात आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ब्लू लाइन आई है आपको इसे कॉपी करना है और इसे ओपन करने के बाद आपको एक सवाली पर्चा खुल जाएगा जिसमें मारूजी सवालत होंगे हर सवाल के लिए चार मुतबाद जवाब बाद आपको दिए जाएंगे आपको सही जवाब का इंतखब करना है और अपना जवाब दर्ज करना होगा इस तरह से आपको सारा सवाली पर्चा हल करना है जिसमें आपको अपना नाम अपने स्कूल का नाम और अपने शहर का नाम लिखना ज़रूरी है इस तरह से एक बार जब आप पूरे सवाल को हल कर चुके होंगे आपको आखिर में सबमिट का बटन दबाकर सवाली पर्चे को सबमिट करना होगा एक बार आप सबमिट कर चुके होंगे तो आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा यानी इस सवाली पर्चे से आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं आपको पता चल जाएगा अजीज़ तलबा तलबात इसके अलावा मैंने यहाँ और दो सवाल दिए हैं ख़त के कितने हिस्से होते हैं और दूसरा है हेड मास्टर के नाम दरख्वास्त लिख कर टी सी तलब कीजिए इन दो सवाल के जवाब भी आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखना है हल करना है और अपने मदरसे में मौलम या मल्लमा से इसकी जांच करवानी है तो क्या आप तैयार हैं आपके अपने होमवर्क को करने के लिए शाबाश जिस तलबा तलबात मैं बुशरा परवीन असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल आर एम एस एमलापुर तालुका ज़िला बेदर आप तमाम से आज की इस नशस्त का इख्तिताम करने की इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने खत के ताल्लुक से सारी जरूरी मालूम को अपने जहन में नोट कर लिया है अल्लाह हाफिज